नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन के गट्टे सीखेंगे, जिसके अंदर हम ऑनियन, गार्लिक, टमाटो यूज़ नहीं करेंगे। ग्रेवी बनाएंगे लेकिन उसमें हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें जो सामान चाहिए वो है 1.5 कप बेसन लिया है मैंने। इसके अलावा जो ड्राई मसाले हैं उसमें आधी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच राई और चुटकी भर 2 चुटकी मैंने हींग की ली है। इसके अलावा गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर चाहिए होगा, नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग पाउडर, घी, कसूरी मेथी 2 चम्मच लिए हैं। इसके अलावा 1.5 कप दही लिया है और थोड़ा सा भुना हुआ मावा लिया है। तो सबसे पहले हम पैन ऑन करते हैं। इसके साथ ही एक भगोने में 1.5 ग्लास पानी हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। पैन के अंदर 2.5 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे। इसे गर्म होने देते हैं, इसे भी गर्म होने देते हैं। अब जो हमने बेसन लिया है इसके अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन, इसके अलावा आधी चम्मच नमक, आप ये स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, और इसमें घी यूज़ करेंगे। इससे इसमें जो अंदर में सॉफ्टनेस आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा हम 1 चम्मच खट्टा करने के लिए इसमें दही डालेंगे और इसमें चुटकी भर, 1 चुटकी बस, ज़्यादा डालेंगे तो ये बिखर जाएगा। बेकिंग पाउडर डाला है मैंने। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पानी से गूंथेंगे। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। बेसन के गट्टे थोड़े स्पाइसी भी हो सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डव, जो हम गेहूं के आटे का बनाते हैं, इस तरह का तैयार करेंगे। 1/2 कप से भी कम पानी यूज़ हुआ है दोस्तों, तकरीबन 2 चमचे, 2 टेबल स्पून आप बोल सकते हैं। और एक ये अच्छा सॉफ्ट डव तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसके लैड बनाएंगे। आप चाहें तो इसे 15 मिनट तक छोड़ सकते हैं, अच्छे से इसे इस तरह से गोथ के इसका टेक्सचर अच्छा कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसे 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, वो सेट हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद में आप इस तरह के लेड तैयार कर लीजिए। बाकी आटे के भी हम इस तरह के लेड बना लेते हैं। पानी उबलने लगा है, हम इसमें एक एक करके ये लेड डाल देते हैं। एकदम से इसका टेम्परेचर कम होता है तो आप आँच तेज रखिए, घबराइएगा मत, ये नहीं फूटेंगे। जैसे ही ये सही होंगे तब हम इसके अंदर इसको ढक देंगे। अब हम हमारे ड्राई मसाले इसमें डाल देते हैं, ये रोस्ट होने देते हैं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने बेसन की ली है। इसको इस तरह से तकरीबन 1/2 कप पानी डालिए और इसके अंदर आप 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच से 3/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और तकरीबन 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के इसको इस तरह से फेंट लीजिए, अच्छा पेस्ट बना लीजिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये घोल रहेगा। हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। और अब जब तक मसाला तेल ना छोड़े हम इसको पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। ध्यान रखिए मसाला तल में नहीं लगना चाहिए और इसे इस तरह से चलाते रहिए। तेल की मात्रा हमने सही ली है ताकि जब बेसन मसालों के साथ में इसमें पके तो ये तल के अंदर ना लगे। अब इस समय इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए और इसे इसको मसाले को एक साथ होने दीजिए। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से, जब तक दही मसाले में पूरी तरह घुल नहीं जाता। हमारे गट्टे भी रेडी हो चुके हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। हम गैस बंद कर देते हैं
और इसके अंदर मावा ऐड कर देते हैं इस तरह से, और इसे भी मेल्ट होने देते हैं। एक उकाली आते ही इसे छोड़ दें और ढक दें, आँच कम करके इसे कुक होने दें। जब तक ग्रेवी तैयार होती है हम लेट्स को कट कर लेते हैं। ग्रेवी में बुलबुले आ रहे हैं, अब हम पानी सहित इन गट्टों को इसमें डाल देते हैं इस तरह से। और एक गट्टा मैंने साइड में रखा है ताकि मैं इसे क्रश करके इसकी ग्रेवी के अंदर मिक्स कर सकूँ, तो मुझे अच्छे से क्रश करना है इसे। ये क्रश किया हुआ गट्टा आप इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दें। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे आधी चम्मच, स्वाद अनुसार लीजिए आप जितना आपको पसंद है। और अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत ही ऑसम और बहुत ही टेस्टी है। जब तक थोड़ी सी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और गट्टों के अंदर ग्रेवी का मसाला भी पहुंच जाएगा, तो हम इसे ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे ताज़ा ग्रेवी वाले गट्टे तैयार हो गए हैं। और आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते रहिए, मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ये एकदम फ्री है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।